नियति को आखिर क्या मंजूर है ये कोई नहीं जानता। एक ही कुनबे से जुड़े 23 लोग इसी छोटी पिकअप गाड़ी में सवार होकर घर के एक बुजुर्ग प्यारे लाल की अस्थियां विसर्जित करने नारनौंद से हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से वापस नारनौंद लौटते समय सुबह करीब 5:10 पर जींद के कंडीला गांव के पास इस छोटी पिकअप गाड़ी की एक अशोका लीलैंड कैंटर से आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हुए हैं। ये तो नींद का चक्कर होया, ये कुछ गड्डी आने लग रही थी, ये तो नींद आई है, ये गड्डी आमने सामने से टक्कर हुई है। मौके पर मैं गया नहीं हूँ, अब मतलब हमारे को फोन गई है सूचना, 5:30 फोन गया है तो भाई ये हादसा हो गया। और कोई अलेवा खांडा से कोई सब्जी वाली गाड़ी थी, वो लेके जावे थे और उन्होंने संभाला, उसने नारनौंद फोन कराया कि भाई अपने सोरगर बिरादरी से हैं ये, और 6 पूरे हो गए जी, 6 आदमियों की डेट हो ली है। इस हादसे के बाद से ही बड़े कैंटर का चालक मौके से फरार है। घायलों को सबसे पहले जींद के सामान्य अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। ये कंडेला गांव से पहले मिल प्लांट के पास ट्रक का और पिकअप का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर 23 व्यक्ति सवार थे, 6 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी इंजर्ड हैं जिनको रेफर किया गया है। अभी तक परिवार जनों ने किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, जैसी स्टेटमेंट दी जाएगी एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज करके कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी वारसन के हवाले। शुरुआती जानकारी के मुताबिक छोटी पिकअप गाड़ी के ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पुलिस अभी से पूरे मामले की जांच में जुटी है और बड़े कैंटर के ड्राइवर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, जींद।